वेडिंग सीजन आने वाला है और इसीलिए मैंने आज के हॉल वीडियो के लिए पिक की है ब्राइडल ज्वेलरी प्लस वेडिंग गेस्ट ज्वेलरी दो गाइस उसमें ना दोनों तरीके की ज्वेलरीज मैंने कवर की हैं कुछ ब्राइडल सेट्स भी हैं और कुछ वेडिंग गेस्ट सेट्स भी हैं जिसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने सेट्स पिक किए हैं आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना रश्मि वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आज का हॉल होने वाला है पूरा वेडिंग ज्वेलरी सेट्स पे फ्रॉम मीशो और मीशो के वीडियोज आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मीशो के वीडियोज करती हूँ और आज के हॉल वीडियो में बहुत ही प्यारी प्यारी ब्राइडल ज्वेलरी है एंड बहुत ही सुंदर वेडिंग गेस्ट ज्वेलरी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो आई होप कि आपको पसंद जरूर आएगी तो ज्यादा डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल हैवी सेट और ये पूरा ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड golden उसमें पूरा पूरा सेट है ऑक्सीडाइज गोल्डन फिनिश में और टेम्पल ज्वेलरी है बहुत प्यारी सी है और साथ में मैं ट्रायन भी डाल दूंगी तो आप उसमें देख लेना इसका लुक कैसा आता है इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हो पास से बहुत प्यारा सेट है एंड आपका पूरा नेक कवर कर लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक देता है तो आप इसको अगर ब्राइडल हो तो भी आप इसको वेयर कर सकते हो या फिर आप शादी अटेंड कर रहे हो रिसेप्शन लुक वग़ैरह में आप इसको ट्राई कर सकते सकते हो बहुत सुंदर लगेंगी इसके साथ में मिलेगी इस तरीके की झुमकी जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक देती है तो इस तरीके की झुमकी इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है तो ये वाला सेट डेफिनेटली आप लोग ट्राई करो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है बिकॉज आई लाइक दिस सेट सो मच नेक्स्ट आई वॉन्ट टू तो शेयर दिस आ, कुंदन सेट जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है एंड क्रीम कलर में है या आप वाइट कलर में भी कंसीडर कर सकते हैं इसको ये थोड़ा सा ऑफ वाइट जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है अच्छा इसमें दूसरे कलर ऑप्शंस भी हैं तो ये सेट मुझे बहुत सुंदर लगा आप अपने किसी भी शादी के फंक्शन में पहन सकते हो या फिर अगर आप वेडिंग गेस्ट भी हो ना किसी दूसरे की शादी अटेंड कर रहे हो तो भी आप इसको वेयर कर सकते हो बहुत प्यारा लुक देने वाला है स्पेशली साड़ी के साथ तो ये बहुत सुंदर लगता है वो आप ट्राइवल में देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इसके साथ में जो ईयर हैं वो भी बहुत प्यारे हैं इतने बड़े बड़े एयर हैं काफ़ी अच्छा लुक देंगे इस वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है आप डेफिनेटली जा सकते हो पूरा कुंदन लगा हुआ है इसमें एंड यहाँ पर जो स्टोन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली स्टोन नहीं है ये प्लास्टिक का दिया हुआ है बट ये बहुत सुंदर लग रहा है दूसरे कलर ऑप्शंस हैं आप जाके लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हो ओके okay, नेक्स्ट जो सेट मैं आपके साथ आप शेयर करने वाली हूँ वो एक्चुअली लेयर्ड में है तो इसका पहला लेयर है लेयर है ये और ये भी टेम्पल ज्वेलरी है काफ़ी सुंदर सा टेम्पल ज्वेलरी है आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश है इसकी ट्रायन में साथ के साथ आप देख लेना मैं ट्रायन का साइड में डाल दूंगी तो ये इसका फर्स्ट लेयर है जो कि आप के नेक के पास में रहेगा इसका जो सेकंड लेयर है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये है इसका सेकंड लेयर ये भी बहुत सुंदर है दोनों साथ में पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देते हैं और ये प्रॉपर मतलब ब्राइडल ज्वेलरी है आप इसको कंसीडर uh, कर सकते हो ब्राइडल ज्वेलरी में क्योंकि आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गोल्डन uh, फिनिश में पहनना इसके साथ में मिलती है ये झुमकी और इस पर एक्चुअली uh, थोड़ा सा पिंक एंड ग्रीन कलर के स्टोन्स भी लगे हुए हैं तो वो सेट्स में भी आपको दिख गए होंगे जगह जगह पर बहुत सुंदर सेट है क्वालिटी बहुत अच्छी है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट सेट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट ये पिकॉक डिज़ाइन में और ये थोड़ा सा लॉन्ग नेकलेस है और पूरा आप देख सकते हो पिकॉक वाला पैटर्न है और ये फोकस कहाँ गिरा रहा है यार तो ये पूरा पिकॉक वाला पैटर्न है प्रॉपर बहुत सुंदर सा यहाँ पर ये पिकॉक भी बना हुआ है थ्री में मैं आपको दिखा देती हूँ ये थ्री में पिकऑक भी बना हुआ है बहुत प्यारा सेट है और ये बीड्स में है यहाँ पर कलरफुल ये मल्टी कलर में बीड्स दिए हुए हैं एंड बाकी के पूरा जो है वो पर्ल वाइट बीड्स हैं बहुत सुंदर सा सेट है पहन के मुझे बहुत सुंदर लग रहा था एंड हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ये बिल्कुल भी आ, लो क्वालिटी का नहीं लग रहा है बिल्कुल चीप क्वालिटी का नहीं है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में एंड इसकी फिनिश वगैरह आप देख सकते हो सब कुछ बहुत अच्छा है इसका पास से मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत प्यारा सेट है एंड इसके साथ में जो ईयर हैं वो भी बहुत सुंदर है वो भी प्रॉपर पिकॉक uh, डिजाइन में है तो आप देखो बहुत सुंदर से सेट से है इसमें भी पूरा पिकॉक इस तरीके से थ्री में बना हुआ है बहुत प्यारा से है. तो सेट है बाकी ट्राइव में आप देख सकते हो तो डेफिनेटली ये सेट भी हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट आई वॉन्ट टू शेयर दिस लेयर्ड नेकलेस बहुत ही प्यारा सा लेयर्ड नेकलेस है आप देख सकते हो इसमें पूरा ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे से एंड यहाँ पर ब्रोच टाइप का जो है ना वो पिकॉक वाला पैटर्न है तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आता है वेडिंग गेस्ट हो अगर आप तो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बहुत सुंदर लगता है एंड इसके साथ में बहुत ही प्यारी सी झुमकी आपको मिल जाती है जिसपे पूरे ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं झुमकी पे बहुत प्यारा सा इसका लुक आता है एंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है नेक्स्ट सेट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मेरा फेवरेट है और वो ये पिंक कलर में है डार्क मजेंडा पिंक कलर में है ये और पूरा ऐसे इसमें बीड्स वाली चेन है पूरी पर्ल्स वाली और इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है इसका बहुत प्यारा लुक आता है आप वेडिंग गेस्ट हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो या फिर आप अपने किसी फंक्शन में इसको पहन सकते हो लाइक मेहंदी या संगीत के फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हो येलो ज्वेलरी के साथ आप मेहंदी के फंक्शन में इसको कैरी करोगे बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है एंड आप बाद में आफ्टर मैरिज भी इसको साड़ी वगैरह पे पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा इसके इयर बहुत सुंदर हैं। ये इसके इर हैं बहुत ही प्यारे से इयर हैं इसके बहुत प्यारा लुक देता है ये वाला सेट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था साथ में एक ब्यूटीफुल सी रिंग भी मिलती है तो इस तरीके की सेम मैचिंग से आपको रिंग भी मिल जाएगी बहुत प्यारा लुक देती है ओवरऑल ये सेट पूरा पहनने के बाद इतना सुंदर लुक देता है ना अगर आप मैचिंग साड़ी के ऊपर इसको वेयर कर रहे हो एक मैंने कुछ ऐसे मजेंटा पिंक में साड़ी पहनी हुई है एंड इस साड़ी के साथ ये बहुत सुंदर लग रहा था तो इस तरीके से अगर आप वेयर करोगे या फिर आप मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी के साथ भी इसको कॉन्ट्रास्ट में वेयर करोगे ना तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है अगर आप कुछ लाइट वेट ज्वेलरी भी सर्च कर रहे हो ना आ, इस वेडिंग सीजन तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है ये ब्यूटीफुल सा नेक पीस आप देखो बहुत सुंदर है थोड़ा सा लॉन्ग चेन में है एंड इसमें गोल्डन बीड्स का पैटर्न है बहुत ही ब्यूटीफुल सा है आप देखो बहुत सुंदर लग रहा है आ, मैंने इसको वेयर किया एंड साड़ी के साथ ये बहुत प्यारा लग रहा था तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है किसी की वेडिंग पार्टी में आपको लाइट वेट पहनना है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तो अच्छा इन सारे ज्वेलरी पीसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है मैंने बहुत सलेक्टेड पीस लिए हैं एंड सारे के सारे अंडर बजट है कोई भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आपके पॉकेट में आ जाएंगे तो बहुत प्यारा सा है सेट है इसके साथ भी आपको झुमकी मिल जाएंगी प्यारी सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलसी झुमकी आपको इसके साथ मिल जाएंगी तो ओवरऑल पहनने के बाद ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बहुत एलिगेंट सा लुक आ रहा था इसका इसको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट इज दिस चोकर सेट और ये बहुत प्यारा सा चोकर सेट है मैंने लिया था मिंट ग्रीन कलर में इसमें दूसरे कलर ऑप्शन भी हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो इसका एक आ, मोती निकला हुआ आया था बट इसको हम फिक्स कर सकते हैं इसके साथ में ही है वो इसको हम फिक्स कर सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सेट है बहुत ब्यू फुल लगा था मुझे पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था तो आप इसको भी अपने किसी फंक्शन में ट्राई कर सकते हो क्या बहुत ही सुंदर सेट है इसके एयर भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और इसके इस तरीके के एयरिंग्स हैं पूरा फ्लावर वाले पैटर्न में क्योंकि नेकलेस में भी पूरा बीच में फ्लावर वाला पैटर्न है बहुत प्यारा सा इसकी है और ये कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो आप पिंक कलर की साड़ी के साथ या मजेंटा पिंक कलर की साड़ी के साथ भी ये मिंट ग्रीन कलर बहुत अच्छे से जाता है कॉन्ट्रास्ट में तो आप उस हिसाब से इसको कॉन्ट्रास्ट में भी ट्राई कर सकते हो क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है एंड बाय द वे सारे ज्वेलरी के लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो एक आ, ब्राइडल सेट है काफ़ी हैवी सेट है एंड पूरा टेम्पल ज्वेलरी है इस तरीके का सेट है बहुत ही ब्यूटीफुल सा तो इस तरीके के सेट आप अपने वेडिंग में वेयर कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इसमें आपको पिंक एंड ग्रीन कलर का, का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा तो ये आपके ज़्यादातर आउटफिट्स के साथ में चला जाएगा आपका ब्राइडल आउटफिट रेड कलर में है या पिंक कलर में है या आ... कोई भी कलर में है ये उसके संग में परफेक्टली मैच हो जाएगा आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो उसके साथ में इसके साथ में आपको मिलेंगे झुमकी जो कि आई थिंक लेंथ वगैरह काफ़ी सफिशियंट है तो ये इस तरीके की झुमकी है काफ़ी ब्यूटीफुल सी ये सेट भी बहुत प्यारा लगता है गाइज इसकी भी फिनिश वगैरह काफ़ी अच्छी है इसमें कुछ कुछ बीच से ना ग्रीन कलर के मोती निकले हुए हैं बट वो मुझे पैकेट में ही रिसीव हुए हैं पैकेट में डले हुए हैं तो इनको हम फिक्स कर सकते हैं घर पे ही इजीली फ़िक्स कर सकते हैं ये सिर्फ निकले हुए हैं लगाना है क्वालिटी वगैरह बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है तो आप इसको भी डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो ये बहुत प्यारा सेट लग रहा था गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप कि आज का हॉल वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशनस मिल गई होंगी अगर आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर अभी तक सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे आप वीडियोस देखते रहते हैं। तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी मिल सके तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर